साथियों, अगर हम लोग देखें तो जो चुनौती आज के दौर में सबसे बड़ी है वो हम देख रहे हैं कि हमारे साथ में एक बड़ा खेल चल रहा है। अभी मणिपुर का घटनाक्रम हम सबके सामने है। मणिपुर में किस तरीके से वहां के आदिवासियों के साथ खिलवाड़ किया गया, नागा और कुकी समुदाय के साथ में आज उसे जंगल में भेज दिया गया, उनके घरों को जला दिया गया, वहां की एक पावरफुल कम्युनिटी मैतेई को वहां पर हाईकोर्ट ने कहा कि इन्हें इनकी जो एसटी की डिमांड है उसको कंसीडर किया जाए, और उसके बाद से ही पूरा का पूरा मणिपुर जल रहा है जहां सैकड़ों लोग शहीद हो गए। कुछ इस तरीके की बगावतें हमारे इलाकों में भी चल रही है। हम लोग देख रहे हैं कि साजिशन हमारे इलाकों में गैर आदिवासियों की घुसपैठ बढ़ने लगी है। ये ऐसी घुसपैठ है जो हम लोग देखते थे कि अंग्रेजी हुकूमत के दौर में भी गैर आदिवासियों को दिकुओं को इस इलाकों में ला करके बसाया गया, और उसका नतीजा ये हुआ कि हम ही हमारी जमीन पर आज की तारीख में अल्पसंख्यक होते चले गए। सरकार ने जो नीतियां बनाई आप देख लीजिए, उन नीतियों के चलते हमारे इलाकों में जिस तरीके से नगर पालिकाएं बनाई गई, उन नगर पालिकाओं के चलते हमारा इलाका अनुसूची 5 के बाहर चला गया। इसके साथ ही साथ अभी हम लोग देख रहे हैं कि आगामी सत्र में इस देश की पार्लियामेंट के भीतर फॉरेस्ट कंजर्वेशन अमेंडमेंट बिल लेकर के इस देश की सरकार आ रही है। तो आपको बता दें, ये जो बिल आपके सामने आ रहा है उसका असर यह होगा कि उसमें कहा गया है कि इस देश की केंद्र सरकार अगर चाहे तो वो किसी भी इलाके को, वो चाहे अनुसूची 5 के दायरे में आता हो चाहे नहीं आता हो, वो फॉरेस्ट एरिया हो चाहे नहीं हो, जिसे 1980 से पहले भी अगर फॉरेस्ट एरिया डिक्लेयर नहीं किया गया, उस इलाके में भी कहा गया है कि सरकार उस जमीन को छीन सकती है। वो फॉरेस्ट अमेंडमेंट बिल इतना खतरनाक है कि उसमें आपकी ग्राम सभा का कोई प्रोविजन नहीं है। उस बिल में आपको अनुसूची 5 के तहत जो अधिकार मिलते हैं उन अधिकारों का कोई जिक्र नहीं है। सरकार कह रही है कि अगर वो चाहे तो किसी भी तरीके का पार्क, इकोसिस्टम या उसके साथ साथ किसी भी तरीके का डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, मिलिट्री के प्रोजेक्ट लगा सकती है, और उसके अलावा कुछ एक उन्होंने एक ब्लैंक स्पेस रखा एनी अदर। तो ये जो पूरा का पूरा खेल है, आगामी सत्र में आपको देखने को मिलेगा कि आपके इलाकों में भी, चाहे वो मध्य प्रदेश का इलाका हो चाहे राजस्थान हो, जहां पर भी पूरे देश के भीतर इन इलाकों में गैर आदिवासियों की घुसपैठ बढ़ने लगेंगी, और वो अभी तक बढ़ती चली आ रही थी, लेकिन इस बिल के आने के बाद ये घुसपैठ और बढ़ेगी और हमें फिर से एक और दूर दराज के हिस्से में धकेल दिया जाएगा, या फिर हमें अपनी ही जमीन पर, जिस जमीन के हम सदियों से मालिक हैं, उसी जमीन पर मजदूर बना के छोड़ दिया जाएगा। साथियों, इसलिए इस चुनौती को समझने की जरूरत है। दूसरी चीज, अगर हम लोग देखें तो पता चलेगा कि पूरा का पूरा एक आरएसएस का प्रोजेक्ट बहुत लंबे समय से चल रहा है, वो है डीलिस्टिंग का प्रोजेक्ट। हम सब लोग जानते हैं आरएसएस का एक विंग है जनजाति सुरक्षा मंच के नाम से, वो लगातार देश भर में मुहिम चला रहा है, और पिछले कुछ सालों से छत्तीसगढ़ में उसके बहुत बड़े बड़े प्रोग्राम्स चल रहे हैं, और वो कह रहा है कि जिन आदिवासियों ने अपना धर्म छोड़ करके किसी दूसरे धर्म को अपना लिया, मुख्यतः ईसाई या इस्लाम को एक्सेप्ट कर लिया है, उन सब का जो हक है, उनका जो अधिकार संविधान के तहत मिला हुआ है, उसे छीन लिया जाए, जिसमें आरक्षण भी शामिल है। अब आप सोचिए कि इस देश के आदिवासी, इस देश में जब धर्म नहीं था उससे पहले से रहते आ रहे हैं, उनकी अपनी एक पूजा पद्धति है, उनके अपने कस्टम है, टोटम है, उनकी अपनी एक सभ्यता है, उसकी अपनी एक परंपरा है, तो क्या कोई आदिवासी दूसरा धर्म एक्सेप्ट कर लेगा तो उसका रिजर्वेशन या उसके बाकी संवैधानिक फायदे छीन लिए जाने चाहिए? हम यहां से उसका विरोध करते हैं, और हमें करना चाहिए, क्योंकि इस देश का आदिवासी अगर आप देखेंगे तो अलग अलग हिस्सों में अलग अलग धर्मों को मानता है, लेकिन हमारी पहचान हमारे धर्म से नहीं है, हमारी पहचान हमारी आदिवासी से है, हमारे आदिवासी होने से है, और इसीलिए हमें इस बात को
दोनों पुरजोर तरीके से ये जो डीलिस्टिंग की मांग की जा रही है इसका खंडन किए जाने की जरूरत है। जो अभी साथी बात कर रहे थे रिलीजियस कोड की, उस रिलीजियस कोड की मांग को फिर से उठाए जाने की जरूरत है। हम सब लोग जानते हैं कि आजादी के पूर्व आदिवासियों को अलग अलग कैटेगरीज में रखा गया, कहीं प्रिमिटिव ट्राइब का दर्जा था, कहीं एनिमिस का दर्जा था, कहीं जो है फॉरेस्ट ट्राइब का दर्जा था, अलग अलग कैटेगरी थी, लेकिन उनके पास एक रिलीजियस कॉलम था। आजादी के बाद वो रिलीजियस कॉलम हमसे छीन लिया गया और वो साजिशन छीना गया। वो साजिशन इसलिए छीना गया क्योंकि उन्हें लगता था कि इस देश के आदिवासी को, जिसकी की नुमाइंदगी उस समय संविधान सभा के भीतर बहुत कम थी, उसकी बात को छुपा देना, उसको दबा देना बहुत आसान होगा। और ये हुआ भी, तो उन्होंने ट्राइबल कोड को हटा ही दिया। जब संविधान सभा की बहस चल रही थी तब उन बहसों में भी ये बात आ रही थी, तमाम बहसों में ये बात थी कि ट्राइबल्स को, आदिवासियों को आदिवासी के नाम से रिकॉग्नाइज किया जाने की जरूरत है। जयपाल सिंह मुंडा ने बहुत पुरजोर तरीके से इस बात की वकालत की थी कि हमें आदिवासी के अलावा कोई भी दूसरा शब्द मंजूर नहीं है। लेकिन क्या हुआ, एक साजिश हुई आदिवासियों के खिलाफ संविधान सभा के भीतर। पहली साजिश यह हुई कि कहा गया 1946 का जब कैबिनेट मिशन आया था उसके तहत कहा गया कि 1,00,000 की आबादी पर एक प्रतिनिधि जो है संविधान सभा के भीतर जाएगा। उस समय आदिवासियों की लगभग 3 से 3.5 करोड़ की आबादी थी, हिसाब से तो कम से कम 30 से 35 आदिवासी नुमाइंदों को वहां होना चाहिए था। लेकिन पहले राउंड में 5 लोग जाते हैं और फिर दूसरे राउंड में अलग अलग टाइम्स पर जो है 5 और जाते हैं, टोटल 10 लोगों का जिक्र आता है, जिसमें से 4 ने तो कभी संविधान सभा की मीटिंग को अटेंड ही नहीं किया और उनमें से 3 लोग कभी बोले ही नहीं। जो लोग गए उनमें से भी कुछ लोग नहीं बोले, सिर्फ 3-4 लोगों का जिक्र मिलता है जिन्होंने आदिवासियों की बात को रखा था मजबूती से, जिसमें एक जो है खासी ट्राइब असम से आते थे जेजेएम निकोलस रॉय और सेंट्रल इंडिया से जयपाल सिंह मुंडा और बोनिफास लाकरा। ये वो लोग थे जिन्होंने हमारे हक और हुकूक को संविधान सभा के भीतर बैठ करके सुनिश्चित किया था। और जब वो लड़ाई वहां चल रही थी तो पता चला कि जिस दिन ये तमाम तरीके की बहस चली और नाम की भी जब बहस आई तो पता चला कि आदिवासी नाम की जगह अनुसूचित जनजाति टर्म को रख दिया गया। और ये उस दिन को चुना गया जिस दिन संविधान सभा के भीतर जयपाल सिंह मुंडा एब्सेंट थे। ये साजिश थी आदिवासियों के खिलाफ और इस साजिश का नुकसान हम आज तक उठाते आ रहे हैं। कोई हमें बनवासी कहकर के चला जाता है, कोई जनजाति कहकर के चला जाता है, कोई कुछ और कहकर के चला जाता है, लेकिन हमें यहां से एक बात को इंश्योर करना होगा कि हमें अपने लिए आदिवासी के अलावा कोई भी दूसरा शब्द मंजूर नहीं है। एक दूसरी बात जो संविधान सभा के भीतर बैठे हुए हमारे नुमाइंदों ने कही थी और जिसकी आज सबसे ज्यादा जरूरत है, जब आर्टिकल 13 की बहस चल रही थी जिसमें मूल अधिकार आते हैं, मूल अधिकारों की बहस के दौरान जयपाल सिंह मुंडा ने एक सवाल उठाया था कि इस देश के आदिवासी जिन जमीनों पर रहते हैं उसे मूल अधिकार में शामिल किया जाए। और उस दिन वो जो साजिश रची गई उसका नुकसान यह हुआ कि कहा गया, उस समय कहा गया सरदार पटेल की ओर से, बाकी लोगों की ओर से कहा गया कि ये तो मूल अधिकारों की बहस है, जब संविधान सभा की तरफ से एक कमेटी जो आदिवासी मसलों को रिप्रेजेंट करने के लिए, आदिवासी मसलों को सुनने के लिए जो कमेटी बनी, 2 कमेटियां बनी थी, जानकर के हैरानी होगी एक की नुमाइंदगी जो नॉर्थ ईस्ट से जुड़ी हुई थी उसके नुमाइंदगी कर रहे थे, उसके चेयरमैन थे गोपीनाथ बारदोलोई जो असमीज ब्राह्मण थे, एक जो सेंट्रल इंडिया के आदिवासियों से जुड़ी हुई कमेटी थी जिसकी नुमाइंदगी कर रहे थे ए बी ठक्कर साहब जो कि आपके गुजरात से आते थे, वो भी अपर कास्ट से थे, और उन्होंने हमारी मांगों को इग्नोर किया। संविधान सभा की उन मीटिंग्स में, उन जो मिनट्स से रिपोर्ट्स है उनमें डाइसेंट नोट्स लिखे हुए हैं जयपाल सिंह मुंडा के, बोनिफास लाकरा के, लेकिन उनको रिकॉग्नाइज नहीं किया गया। और उसका खामियाजा यह हुआ कि आर्टिकल 13 की बहस के तहत कहा गया कि जब समिति की रिपोर्ट आएगी, ट्राइबल एडवाइजरी कमेटी की रिपोर्ट आएगी, तब आदिवासियों के मसले पर चर्चा होगी। और जब समिति की रिपोर्ट आई
तब तक सारे मामले सारे फैसले लिए जा चुके थे और कहा गया कि अब तो फैसला हो चुका है, अब पुराने फैसलों में कोई हेरफेर नहीं हो सकता। तो ये जो साजिश हमारे साथ आज से 75 साल पहले हुई, वही साजिश आज भी चल रही है कि हमारी जमीनों को किसी न किसी बहाने से लगातार छीना जा रहा है। आप सब लोग जानते हैं कि इस देश में पैसा 1996 को लागू हुए 26-27 साल हो चुके हैं, लेकिन आज देख लीजिए क्या स्थिति है। इस देश के अधिकांश राज्यों में पैसा को लागू नहीं किया गया। छत्तीसगढ़ में अभी कुछ समय पहले जो है वहां पर रूल्स एंड रेगुलेशंस बने हैं। मध्य प्रदेश में जिस तरीके से लागू करने की कोशिश हो रही है उसमें दरअसल पेशा की मूल भावना के साथ खेल दिया गया और उसको नाम कोई बदल करके सिर्फ नाम के लिए रखा गया, बाकी ओरिजिनल में जो कंटेंट था उसको सबको हटा दिया गया और उसका नुकसान आज भी हमारे देश का आदिवासी उठा रहा है। और इसीलिए इस जमीनों को बचाना हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी हो जाता है। हमारी जो लड़ाई है उसमें चाहे डीलिस्टिंग का मामला हो, चाहे पेशा का मामला हो, चाहे अनुसूची 5 का मामला हो, ये वो चैलेंज है जो आने वाले दिनों में जयस हो या तमाम इस देश का आदिवासी संगठन हो उनको लड़नी पड़ेगी। अगर इन लड़ाइयों को नहीं लड़ा गया तो यकीन मानिए जिस तरीके से अमेरिका के भीतर और ऑस्ट्रेलिया के भीतर वहां के नेटिव लोगों को, वहां के आदिवासियों को खत्म किया गया, यहां भी कर दिया जाएगा। आप देख लीजिए किस तरीके का खेल है। कहा जाता है कि अनुसूची 5 उन इलाकों में लागू होगी जहां पर उस एरिया, बेसिकली उन्होंने एरिया को डिसाइड किया कि एक बड़ा एरिया होगा, चाहे वो ब्लैक के लेवल पर हो चाहे डिस्ट्रिक्ट के लेवल पर हो, उसको अनुसूची 5 में डाला जाएगा। लेकिन जयस के स्थापना दिवस के इस मौके पर हमें एक बात को शुरू करना होगा कि हम अब मांग करते हैं कि जिन गांवों में 50% या उससे अधिक आदिवासी आबादी है उसे अनुसूची 5 के दायरे में लाया जाए। नुकसान क्या हो रहा है, जगह जगह इन्होंने नगर पालिकाएं बनाई। नगर पालिका बनते ही क्या होता है, क्योंकि उसमें गैर आदिवासी भी शामिल हो जाते हैं और तुरंत आपकी जमीन जो अनुसूची 5 के दायरे में आती है, पेशा के दायरे में आती है, वो जो है गैर आदिवासियों के हिस्से में चली जाती है और उसका नुकसान हम उठाते आ रहे हैं। आप याद कीजिए तिलका मांझी की फोटो वहां पर लगी हुई, तिलका मांझी की पूरी बगावत। जब इस देश के तमाम जो राजा महाराजा लोग कहे जाते थे उन्होंने अंग्रेजी हुकूमत के सामने सरेंडर कर दिया था, घुटने टेक दिए थे और जो जी हुजूरी कर रहे थे, वजीफा पा रहे थे, सब लोग सरेंडर करके चले गए थे, उस दौर में बाबा तिलका मांझी ने बगावत का झंडा आज की तारीख में बिहार और झारखंड और छत्तीसगढ़ के इलाके में बुलंद किया था। और उसकी वजह क्या थी, उसकी वजह यह थी कि आदिवासी इलाकों में गैर आदिवासियों का प्रवेश। और आज भी वही लड़ाई चल रही है कि आपके अनुसूची 5 के इलाकों में आदिवासी बहुल इलाकों में गैर आदिवासियों को लाकर के बसाया जा रहा है। फॉरेस्ट अमेंडमेंट बिल भी उसी की एक साजिश है जिसके तहत आपकी जमीनों को लिया जाएगा गैर आदिवासी पर्पजों के लिए। उनका उद्देश्य होगा कि इस देश के धन्ना सेठों को, पूंजीपतियों को आदिवासी इलाकों में लाया जाए, उनके लिए मुनाफा कमाया जाए ताकि वो आगामी चुनावों में उनको फंड कर सके। लेकिन सवाल यह है कि वो जमीनें जब हमारी चली जाएंगी तो सोचिए आपका क्या होगा, आप कहां जाएंगे। ये चुनौती है कि नहीं, यही सबसे बड़ी चुनौती हमारे सामने है। और जिस दिन जमीन चली गई यकीन मानिए आप साबित नहीं कर पाएंगे कि आप आदिवासी है कि नहीं है। बिना जंगल के आदिवासी की कल्पना नहीं की जा सकती, बिना जमीन के आदिवासी की कल्पना नहीं की जा सकती है। इसीलिए एक दूसरी मांग को भी जयस स्थापना दिवस के 10वें वर्ष में हमें और उठाना है और वो ये है कि इस देश के तमाम जंगलों को आदिवासियों के सुपुर्द किया जाए। जितना भी इस देश का जंगल है हम जानते हैं, हम सारी चीजें जानते हैं, बहुत अच्छे से जानते हैं। जब अंग्रेजी हुकूमत यहाँ आई थी और पहली फॉरेस्ट पॉलिसी जब 1857 के बाद जो बनी थी, लगभग 1872 के आसपास बनी थी, उस समय इस देश में लगभग 50% एरिया ऐसा था जो फॉरेस्ट एरिया के दायरे में आता था। 1927 तक आते आते वो लगभग जो है 35% हो गया और 1980 की फॉरेस्ट पॉलिसी कहती है कि इस देश में तो मात्र 21% जंगल है। कहां गए आदिवासी,
यूएन की रिपोर्ट है 2012 की, जो कहती है कि आजादी के बाद, सरकारी रिपोर्ट है, यूएन की रिपोर्ट है, कहती है कि आजादी के बाद लगभग 6.5 करोड़ इस देश के लोग विस्थापित हुए हैं डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के चलते, उसमें से 40% आदिवासी है। तो क्या हुआ हमारे लोगों का जो विस्थापित हुए? आप सब लोग जानते हैं पिछले ही साल कुछ चीतों को लाकर के मध्य प्रदेश में बसाया गया था ना, उनमें से अधिकांश की क्या स्थिति हम सब लोग जानते हैं, रोज अखबारों में आता है क्या चल रहा है। लेकिन जिस तरीके से वो चीते मर रहे हैं, उसी के साथ साथ इसी तरीके से हमारे आदिवासी भाई बहनों को वहां मार दिया गया, वहां से उजाड़ दिया गया। आज उनका कोई खैरख्वाह नहीं है, उनकी पूछने वाला नहीं है कि वो कहां गए। इसलिए भी हमें अपने जंगल और जमीन की लड़ाई को मजबूती से आगे लड़ने की जरूरत है साथियों। दूसरी चीज, जिस तरीके का मामला आज की तारीख में लगातार एक डिबेट चल रहा है, हक और हुकूक की जो बात चल रही थी, बाबू जगदेव प्रसाद की बात यहां पर हो रही थी कि 100 में 90 शोषित है, शोषितों ने ललकारा है, धन धरती और राजपाट में 90 भाग हमारा है। लेकिन क्या सच में आदिवासियों को उनका वाजिब हक मिला? पिछले साल संविधान दिवस की पूर्व संध्या पर माननीय राष्ट्रपति महोदया ने एक बात कही थी कि इस देश की जेलों में सबसे ज्यादा दलित और आदिवासी सड़ रहे हैं। उनके पास पैसे नहीं है कि वो कोर्ट और कचहरियों में जाकर के अपना केस लड़ सके, उनकी जमानत देने वाला कोई व्यक्ति नहीं है कि वो रिहा हो सके। लेकिन इस देश की कोर्टों की क्या स्थिति है? एक डेटा पिछले साल सरकार ने जो है पार्लियामेंट के भीतर पेश किया, कहा गया 2018 से लेकर के 2017 से लेकर 2022 के बीच में इस देश के तमाम हाई कोर्ट्स में लगभग 569 जजेस की नियुक्ति हुई। आपको पता है उसमें से आदिवासी कितने हैं? मात्र 9। अब आप सोचिए, जब आप कोर्ट में जाते, कचहरियों में जाते, तो आपको न्याय क्यों नहीं मिलता? क्योंकि आपके जजेस वहां है ही नहीं। सुप्रीम कोर्ट में कोई भी आदिवासी जज आज की तारीख में मौजूद नहीं है। आज तक का रिकॉर्ड उठा के देखेंगे तो पता चलेगा एक व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट में आदिवासियों की तरफ से जो है जज बनकर के पहुंचा है पिछले 75 सालों में। यह हमारी हिस्सेदारी है। लगातार जो रिजर्वेशन की बात की जाती है, उस रिजर्वेशन का भी आंकड़ा है, आदिवासी जितनी टोटल आदिवासी आबादी है उसका मात्र 4% फैमिलीज ऐसी हैं जिनमें किसी भी तरीके की कोई गवर्नमेंट जॉब है, मात्र 4%। बाकी 96% इस देश का आदिवासी आज भी जमीन पर काम कर रहा है, खेती कर रहा है, जंगलों पर निर्भर है, या मजदूरी बनके कुछ रिक्शा चला रहा है, ठेला चला रहा है आज की तारीख में। यह हमारी एक्चुअली में हिस्सेदारी है। जिन विश्वविद्यालयों की बात की जाती है, कहा गया था कि इस देश के विश्वविद्यालय इस देश का निर्माण करेंगे, राष्ट्र की भूमिका बनाएंगे, इस राष्ट्र को बहुत सुंदर बनाएंगे, इस असमानता पर आधारित जो देश था उसको समानता लेकर गएंगे। और संविधान जब बन रहा था तब भी जयपाल सिंह मुंडा ने एक बात कही थी, जब संविधान का प्रस्ताव पेश किया गया था, उद्देश्य प्रस्ताव नेहरू जी ने दूसरी मीटिंग में पेश किया था, तब जयपाल साहब ने एक बात कही थी, कहा था कि हम उम्मीद करते हैं कि इस देश के लोग आदिवासियों के साथ न्याय करेंगे। लेकिन वो जो उम्मीद की गई थी जयपाल सिंह मुंडा की तरफ से, वो उम्मीद आज भी 75 साल बाद भी पूरी होती हुई नहीं दिखाई दे रही। आज भी हमारे लोग दर दर की ठोकरा खा रहे हैं। हिस्सेदारी की बात आती है, जिन विश्वविद्यालयों की बात हो रही थी, उन विश्वविद्यालयों में मात्र 3 से 3.5% असिस्टेंट प्रोफेसर है जो मेरे जैसे हैं, जो उन विश्वविद्यालयों में पहुंचे हैं जिनके पास नौकरियां हैं, 7.5% रिजर्वेशन की बात हो रही थी। आपको जानकर के हैरानी होगी, देश के केंद्रीय विश्वविद्यालयों में 1997 में जाकर के फर्स्ट टाइम रिजर्वेशन इंप्लीमेंट हुआ, आजादी के 50 साल बाद 1997 में, और वो भी पंजाब एंड हाईकोर्ट के ऑर्डर के बाद। तो किस तरीके की रिजर्वेशन की बात हो रही है? एक और चीज यहां कह देना बहुत जरूरी है कि रिजर्वेशन हमारी मूल लड़ाई नहीं है, रिजर्वेशन हमारी लड़ाई का एक हिस्सा है। हमारी असल लड़ाई है हमारी जल जंगल और जमीन में हिस्सेदारी की लड़ाई। अगर हमारी जमीनें रहेंगी तो हमारे लोग बचे रहेंगे। आप सब लोग जानते हैं किस तरीके की स्थिति है। फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 में इस देश की सरकार लेकर के आई,
उन्हें 2006 में याद आया कि इस देश के आदिवासियों को जमीनों पर पट्टे भी देने चाहिए। ये बड़ी शर्मिंदगी की बात है कि 60 साल बाद इस देश की सरकार को याद आया कि आदिवासियों को जमीन पर पट्टे होने चाहिए। और क्या हुआ, 2006 में पास होकर के आता है पार्लियामेंट से, राष्ट्रपति महोदय उस पर मोहर लगाते हैं और 2007 में उसी FRA के तहत, फॉरेस्ट राइट एक्ट के तहत, उसके खिलाफ में सुप्रीम कोर्ट में 3 NGO जाते हैं जो इस देश के बड़े बड़े पूंजीपति चलाते हैं। और उन्होंने आर्ग्यूमेंट दिया, उन्होंने कहा कि अगर फॉरेस्ट राइट एक्ट लागू होता है तो इस देश के जंगलों में जो जीव जंतु रहते हैं, जो जानवर रहते हैं, उनको खतरा पैदा हो जाएगा। अब आप सोच करके देखिए ये कितनी विडंबना की बात है। हजारों सालों से उन जानवरों के साथ हम रहते आए हैं, तब तक तो वो खत्म नहीं हुए, लेकिन फॉरेस्ट राइट एक्ट के तहत जमीन पर पट्टा दे देने से वो जंगल खत्म हो जाएंगे, वो जो जंगली जानवर वो भी खत्म हो जाएंगे। और उसका नतीजा क्या हुआ, वो तीनों NGOs की जो एप्लीकेशन थी वो एक्सेप्ट हुई। 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने उस पर वर्डिक्ट दिया और क्या कहा, उन्होंने कहा फरवरी 2019 का वो वर्डिक्ट है, उसमें कहा गया कि जिन आदिवासियों के पास अपनी जमीनों के पट्टे नहीं है वो जमीनें खाली करनी होंगी। आज की तारीख में इस देश की लगभग 142 करोड़ की आबादी है। अगर हम मोटा मोटी 2011 का 8.6 का आंकड़ा ले लें तब भी लगभग 12 करोड़ आदिवासी हैं। फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 के तहत मात्र दिसंबर 2022 तक 44 लाख एप्लीकेशन आए थे। सोचो 12 करोड़ की आबादी में से 44 लाख के एप्लीकेशन आए, जिसमें इंडिविजुअल के भी पट्टे थे और कम्युनिटी के भी पट्टे थे, और उसके तहत मात्र जो है 22 लाख एप्लीकेशन और उसके ऊपर कुछ हजार है, 22 लाख कुछ हजार एप्लीकेशन को एक्सेप्ट किया गया। अब आप सोचो एक बड़ा तबका ऐसा है जिसने एप्लीकेशन डाला ही नहीं, पट्टे के लिए क्लेम किया ही नहीं, और जिन्होंने किया उनका भी रिजेक्ट हो गया। और अब सोचिए अगर वो अभी तो खैर उसमें क्योंकि हल्ला हंगामा मचा और स्टे लग गया उस ऑर्डर पर, लेकिन जिस दिन भी वो स्टे हटेगा, वो तो जाहिर सी बात हम सब लोग जानते हैं बहुत लंबे समय तक स्टे नहीं रहने वाला, वो तो हटना है, लेकिन जिस दिन हटेगा ये समझिएगा कि दुनिया का सबसे बड़ा विस्थापन उस दिन होगा जिस दिन वो सुप्रीम कोर्ट का स्टे हटेगा। हमें उस लड़ाई को भी लड़ने की जरूरत है कि फॉरेस्ट राइट एक्ट के तहत इस देश के तमाम आदिवासियों को जो जमीन पर रहते आए हैं उनको पट्टा दिया जाए, ये मांग हमें यहां से करनी चाहिए। इस पट्टे के नाम पे खेल क्या हो, कुछ एग्जांपल्स बताते हैं। हस्तेव में 1,76,000 हेक्टेयर का जंगल है जिसे कहा जाता है कि सेंट्रल इंडिया का फेफड़ा है, लंग्स है, जहां सबसे ज्यादा ऑक्सीजन पैदा हो रही है। वो 1,76,000 हेक्टेयर का जंगल अडानी को पिछले सालों में इस देश की सरकारों ने दे दिया, जिसमें केंद्र सरकार शामिल थी, जिसमें राजस्थान की सरकार शामिल थी, जिसमें छत्तीसगढ़ की सरकार शामिल थी। और उसका नतीजा क्या हुआ, वहां के आदिवासियों को खदेड़ दिया गया और फर्जी ग्राम सभाएं बनाई गई प्रशासन की तौर से, और ऐसी ग्राम सभाएं जिसके मेंबर्स कुछ साल पहले मर चुके, उनके फर्जी साइन करा करा करके डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने अपने यहां सबमिट किए और तब वहां के पट्टे जारी किए जो है अडानी के लिए। जो बड़े बड़े पेड़ जो सैकड़ों सालों से खड़े हुए थे उनका मुआवजा 150-150 रुपया तय किया गया। अब आप समझ सकते हैं कि किस तरीके की साजिश इस देश की सरकारों की तरफ से हमारे खिलाफ रची जा रही है। हिस्सेदारी की बात चली, इस देश के जो हमारी केंद्र की सरकार है उसमें लगभग 82 सेक्रेटरीज हैं। पता है आदिवासी कितने हैं, 1 व्यक्ति। एडिशनल सेक्रेटरीज में 6 व्यक्ति हमारे आदिवासी समाज से आते हैं। हम लोग हिस्सेदारी की बात करते हैं, 7.5% की बात करते हैं, वो सब गायब है। 2019 से लेकर के 2023 के बीच में हजारों लोगों को जो RSS से और भाजपा से जुड़े हुए थे उनको सीधा IAS भी नहीं, IPS भी नहीं, सेक्रेटरी, जॉइंट सेक्रेटरी, डायरेक्टर, डिप्टी डायरेक्टर बना दिया गया बिना किसी परीक्षा के, बिना कोई और क्वालिफिकेशन के। सिर्फ उनकी क्वालिफिकेशन ये थी कि वो RSS से और BJP से जुड़े हुए थे और उनको जो है सीधा बना करके आज की तारीख में वो मंत्रालयों में बैठे हुए हैं। उनमें एक भी व्यक्ति आदिवासी समाज से नहीं आता। तो ये वो साजिश है जो हम लोगों के खिलाफ में लगातार लड़ी जो है चल रही है। दूसरी चीज,
एनसीआरबी का डेटा है, जो एनसीएसटी का डेटा है, वो कह रहा है कि इस देश में आदिवासियों के खिलाफ लगातार अत्याचार बढ़ते जा रहे हैं और मध्य प्रदेश उसका सबसे बड़ा सेंटर है। पूरे देश में आदिवासियों के खिलाफ जितने अत्याचार होते हैं उसमें 30% हिस्सा अत्याचारों में सिर्फ मध्य प्रदेश का है। रेप्स के मामले में आदिवासी महिलाओं के जो रेप्स हो रहे हैं उनमें भी जो मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा हिस्सा है। और अगर कन्विक्शन रेट देखें कि न्याय की बात को करें तो पता चलेगा कि वो एकदम से गायब है। कुछ सैकड़ों में न्याय दिया जा रहा है, बड़े पैमाने पर आदिवासियों को न्याय तक नहीं मिलता। हम सब ने एक से एक अपराध देखे। नेमावर का कांड हम सबके सामने है, हमने देखा राम प्यारी को किस तरीके से जलाया गया और तमाम सैकड़ों एग्जाम्पल्स हमारे सामने हैं कि किस तरीके से मध्य प्रदेश के भीतर एक ऐसा प्रदेश जहां पर कि इस देश की सबसे ज्यादा आदिवासी आबादी रहती है लेकिन उनको न्याय नहीं दिया जा रहा। तो ऐसे में हमारे लिए बहुत जरूरी है कि हमारे सामने ये जो चुनौतियां हैं उन चुनौतियों से हम लोग लड़े और हम अपनी कहानी खुद कहें। एक नाइजीरियन साहित्यकार है चिन्वा अचेबे, उन्होंने एक बात कही थी कि हिरणों के इतिहास में जब तक हिरण अपना इतिहास खुद नहीं लिखेंगे तब तक हिरणों के इतिहास में शिकारियों की शौर्य गाथाएं लिखी जाती रहेंगी। और वही हो रहा है हमारे साथ, हमारे साथ अत्याचार हो रहा है और जो अत्याचारी है वो भले मानस बन करके बैठे हुए, उनको अवार्ड्स पे अवार्ड दिए जा रहे हैं, वो तमाम तरीके का अवार्ड लिए जा रहे हैं और हमारे लोग आज भी न्याय के लिए दर दर भटक रहे। इसीलिए जरूरत है जयस जैसे संगठन की, इसीलिए जरूरत है आदिवासियों को अपने पैरों पर खड़े होने की, इसीलिए जरूरत है कि हम लोग अपनी लड़ाई खुद लड़े, अपने लाइक माइंडेड लोगों को साथ में लेकर के लड़े, क्योंकि अकेले मुक्ति कतई संभव नहीं है। याद रखिए, अकेले मुक्ति कभी नहीं हो पाई है। आदिवासी लोग तो हमेशा सामूहिकता में विश्वास करने वाले लोग रहे, से अस्तित्व में विश्वास करने वाले लोग रहे, बंधुत्व में विश्वास करने वाले लोग रहे हैं। जयपाल सिंह मुंडा ने संविधान सभा के भीतर कहा था जब लोकतंत्र पर बहस चल रही थी, उन्होंने कहा था कि ये लोग जो आज की तारीख में संविधान सभा में लोकतंत्र पर बात कर रहे हैं उनको मैं कह देना चाहता हूं, ये जयपाल सिंह मुंडा के कोट है, कि आदिवासी इस देश का सबसे लोकतांत्रिक व्यक्ति है। आदिवासी है जो इस देश में लोकतंत्र को बचा रहा है और यह आर्यों की फौज है जो इस देश में लोकतंत्र को खत्म करने पर तुली हुई है। आज से 75 साल पहले यह बातें कही गई थी। उस बात को यहां समझने की जरूरत है, उस डाइवर्सिटी को भी जानने की जरूरत है कि हम लोग सामूहिकता में लड़ाई को लड़े, अपने लाइक माइंडेड लोगों को साथ में लेकर के लड़े, तभी जाकर के हमारी मुक्ति संभव है। अन्यथा हम लोग एक एक करके सारे लोग मारे जाएंगे। और दूसरी चीज, अभी धर्मांतरण का मसला चल रहा था, एक और कोटेशन है जोमो कन्याटा, जो एक राष्ट्रपति थे केन्या के, उन्होंने एक बात कही थी, उन्होंने ये बात वहां के ईसाइयों के संदर्भ में कही थी लेकिन यहां पर यह बात यहां के हिंदुओं के संदर्भ में कही जा सकती है। उन्होंने कहा था कि जब अफ्रीका के भीतर ईसाई आए थे, मिशनरीज आए थे, तब उनके हाथों में बाइबल थी और हमारे पास हमारी जमीनें थी और उन्होंने हमसे कहा कि चलो आओ ईश्वर की प्रार्थना करो और हमने प्रार्थना की, जब आंखें खोली तो पता चला वो बाइबल हमारे हाथों में है और हमारी जमीनें ईसाइयों के पास में है। वही यहां पर हो रहा है कि वो लोग आते हैं, एक बाबा है आपके मध्य प्रदेश में, बहुत चिट्ठियां निकाल करके भविष्य बताते हैं, आप सब लोग जानते हैं वो क्या कर रहा है, वो यही तो कर रहा है, उसका काम यही है, उसका एजेंडा है कि इस देश के आदिवासियों को कैसे खत्म किया जाए। वो पहले तो वनवासी कह रहे थे लेकिन जैसे ही उनके ऊपर चोट पड़ी, आदिवासियों ने बात करना शुरू किया कि हम वनवासी नहीं आदिवासी हैं, तो अब वो आदिवासी नहीं कहते, वनवासी भी कहना छोड़ दिया, वो जनजाति पर आ गए। ये आपकी ताकत है कि अगर आपने ऐसे बाबाओं को और ये जो बाबाओं के गुरु बनकर के बैठे हुए हैं उन सबको चुनौती देना है यहां से, और अगर हम वो चुनौती देने में सक्सेसफुल रहे तो यकीन मानिए साथियों हम लोग बच जाएंगे। और जरूरत है कि जिस तरीके से जयस यहां काम कर रहा है, पूरे देश के भीतर आदिवासी इसी तरीके से अलग अलग हिस्सों में अपनी अपनी लड़ाइयां लड़े और उनके बीच में एक कोऑर्डिनेशन स्थापित हो। और मैं अपनी आखिरी बात कहकर के खत्म करूंगा और वो बात यह है
साथियों जंगल में आग लगी, तमाम जीव जंतु भागे, बट एक चिड़िया थी छोटी सी जो अपनी चोंच में पानी भर के लाती थी और उस आग पर डाल रही थी। तमाम जीव जंतुओं ने कहा कि तुम्हारे चोंच में जो पानी लेकर के बूंद आ रही हो, इससे यह आग नहीं बुझने वाली है। तो चिड़िया ने पलट करके जवाब दिया था, उसने कहा था कि हां मैं जानती हूं कि यह आग मेरे चोंच के पानी से नहीं बुझेगी, लेकिन जिस दिन इस जंगल का इतिहास लिखा जाएगा मेरा नाम आग बुझाने वालों में होगा और आपका भागने वालों में होगा। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम साथियों को, क्रांतिकारी हुल जोहार, जय आदिवासी।